तो फ्रेंड्स वेलकम टू वर्सेस किचन। फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे पालक पनीर के बहुत ही टेस्टी बेहतरीन पकौड़े। तो आप इस रेसिपी को प्लीज जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्टी से पालक पनीर के पकौड़े को बनाना। पालक पनीर का पकौड़े बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर। तो पनीर को हम लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेते हैं इस तरह से। पनीर को इस तरह से देखिए क्यूब्स में कट कर लिया है, तो इसे साइड में रख देते हैं। और लिए हैं देखिए मैंने कुछ पत्ते ये साबुत पालक के, तो इसको अच्छे से धो लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें एक कप बेसन डाल लेते हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी ली है मैंने हींग, और एक चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मैंने अच्छे से कूट लिया है, आप चाहो तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम थोड़ा गाढ़ा सेमी थिक बैटर तैयार कर लेंगे। और पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालें और इसे अच्छे से चलाते जाएँ जिससे इसमें लम्स ना पड़े। तो देखिए सेमी थिक बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा कलर लाने के लिए एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और पकोड़े हमारे अच्छे से फूले हैं। तो देखिए एक चुटकी खाने वाला सोडा यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए बैटर हमारा एकदम रेडी है, पनीर भी हमारा कट चुका है और पालक के पत्ते भी हमारे तैयार हैं। तो देखिए अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पकौड़े थोड़े नए तरह के हैं, तो आप इसे प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखिए। देखिए इसकी हम डंडी निकाल देते हैं और इस पालक के पकोड़े को बनाने के लिए आप ध्यान रखें पत्ते आपको एकदम सॉफ्ट ही लेने हैं, हार्ड वाले नहीं लेने। तो देखिए इस तरह से हमने कुछ पत्ते की डंडी को काट लिया है, तो मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो देखिए ये पनीर का पीस ले लेते हैं हम, इसमें इसको हम अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये हमारा अच्छे से फोल्ड हो चुका है, तो इसे मैं इसमें अच्छे से डिप कर लूँगी। तो देखिए तेल मैंने पहले ही गरम कर लिया था, तो जो हमने पकौड़ा तैयार किया है पालक का, तो इसको हम इस तरह से डाल देंगे। इसका जो फोल्ड है वो नीचे होना चाहिए और बाकी के पकौड़े भी देखिए इसी तरह से हम बना लेते हैं, इसी तरह से बना लेंगे। इसको भी अच्छे से डिप कर लेंगे। बेसन आप एकदम देखिए थिक बैटर ही रखें, अगर पतला रखेंगे तो ये पालक के उस पर लगेगा नहीं। तो पकौड़ों को डालते जाएंगे जितने हमारी कढ़ाई में आ जाएंगे। और देखिए जितने हमारे कढ़ाई में आ गए पकौड़े उतने हमने डाल दिए हैं और इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे अलटते पलटते हुए। पकौड़े देखिए सिक गए हैं, तो इसे टर्न कर देंगे। दोनों तरफ से इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो देखिए इसे हम इस तरह से छलनी में रख के इसको प्लेट पर निकाल लेते हैं, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही चला जाएगा। और बाकी के पकौड़े भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए पालक पनीर के पकौड़े हमारे बन के रेडी हैं, तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देखिए देखने में भी कितने ये मस्त लग रहे हैं, जितने देखने में मस्त है उतने ही खाने में टेस्टी है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैं इसे आपको काट के दिखा दे रही हूँ। पालक पनीर के पकोड़े बनके हमारे तैयार है, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी पकोड़े बने हैं। तो आप इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।